श्री शिवाय नमस्तु। ये बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिवजी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिवजी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया, उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्रीशान में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिवजी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष। भले दिए अगर आपके मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई तारवा नहीं, दिए के अंदर भी जल भर कर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिवजी को चढ़ा दिया। बैसाख महीने जिस नारी के गर्भ में बच्चा एक दो महीने का, चार महीने का, किसी का गिर गया, बच्चा चले गया, दो महीना, चार महीना, छह महीने का समाप्त, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिवजी को, मिट्टी के पात्र का। परिवार में कोई अधोगति में चले गया, साल में, वर्ष में दो बार या तीन बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, घर में अशांति हो रही है, मन अच्छा नहीं लग रहा, मेरा रहने का मन नहीं कर रहा, बाहर निकलो तो अच्छा लगता है, घर में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में अशांति लग रही है, मन में अच्छा नहीं लग रहा, उसको देसी गाय का घी अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह जानते हो ना सब लोग, सब लोगों को मालूम है अशोक सुंदरी वाली जगह, शिवलिंग के सामने जहां से पानी बहता है वहां बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, उसको कहते हैं अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर भगवान के जितने बच्चे हैं सब शिवलिंग के आसपास में, अशोक सुंदरी बीच में, शंकर भगवान की पांच लड़कियां ऊपर, जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, गणेश जी, कार्तिकेय। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर गौ माता के घी का लेपन करने के बाद उस बिंदी को अगर वर्ष में दो या तीन बार भी आप अपने दरवाजे के बाहर मात्र बिंदी स्वरूप लगाएंगे, तुम्हारे पेंटिंग खराब नहीं होगी, जरा सी बिंदी लगाने से घर की डिजाइन भी खराब नहीं होगी, मात्र एक उंगली लगा दी, टच कर दी, उतने से मन को आनंद की अनुभूति। एक मिट्टी का पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र। अब जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा कथा, चूके ना आपको दस जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मट्टी का पात्र, और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश, माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे, पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति
प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र, उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे और उस जल का पान उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता। पर ये जो क्रम किया जाता है ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवा इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल बैसाख में। शिव तत्व की प्राप्ति, आप डॉक्टर को दिखाओ, आप डॉक्टर की दवाई भी लो, आप डॉक्टर से जांचें भी कराओ, आप डॉक्टर ने जो आपको बताया वैसा आप करो, पर साथ में शिव भक्ति को भी अपने भीतर उतार कर शंकर से भी अपने दिल की बात कहकर चलो। शिव से